सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी की अध्यक्षता में गठबंधन दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसके संबंध में सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर गठबंधन दल के सभी जिलाध्यक्षों व सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें प्रसपा के जिलाध्यक्ष श्याम नारायण यादव, महान दल के जिलाध्यक्ष राजकमल मौर्य, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन राजभर, जय हिंद पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार निषाद सहित अन्य पार्टियों के जिला अध्यक्ष शामिल रहे, जिसमें सभी गठबंधन दलों ने तय किया है कि जनपद की सभी 9 विधानसभा की को जीत करके 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा, सभी दलों के पास अपना एक वोट बैंक है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों का वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा, जिससे 2022 विधानसभा चुनाव में जनपद के सभी 9 विधानसभा सीट सपा जीतेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जो समाजवादी पार्टी में गठबंधन दल हैं, घटक दल हैं, उन लोगों की आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर गोरखपुर जनपद में गठबंधन दल के सभी जिलाध्यक्षों और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करने का निर्देश था, जिसके क्रम में समाजवादी पार्टी जनपद गोरखपुर कार्यालय पर आज सभी घटक दल के साथ हम लोगों ने बैठक किया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रसपा के जिलाध्यक्ष श्री श्याम नारायण यादव जी, महान दल के जिलाध्यक्ष श्री राजकमल मौर्या जी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री पवन राजभर जी, जय हिंद पार्टी के श्री कमलेश कुमार निषाद जी, जनवादे सोशलिस्ट के श्री संजय कुमार चौहान जी समेत सभी घटक दलों के अध्यक्ष यहाँ और पदाधिकारी मौजूद थे। सभी लोगों ने आज इस बैठक में ये संकल्प लिया है कि गोरखपुर जनपद में एक एक वोट सहेज करके हम लोग गोरखपुर जनपद के सभी 9 विधानसभा को जिता करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को इस 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में कितना योगदान रहेगा? देखिए, जितने घटक दल हैं सभी लोगों के पास एक बड़ा वोट है। जाति समीकरण के अनुसार बड़े पैमाने पर, जैसे अभी हमारे पास गौड़वाड़ा समाज पार्टी के चंद्रभान गौर साहब हैं, फिर महान दल जो मौर्या समाज की पार्टी है उसमें उसके हमारे जिला राजकमल मौर्या जी हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रसपा का एक बड़ी ताकत गोरखपुर में प्रसपा की है। जय हिंद पार्टी की भी एक बड़ी ताकत गोरखपुर जनपद में है। तो जहां हम 4,000, 10,000, 5,000 वोटों से हारते थे, तो इन दलों के जुड़ जाने से समाजवादी पार्टी का गोरखपुर जनपद के हर विधानसभा में 15,000, 20,000, 25,000 वोट की बढ़ोतरी हो जाएगी। और हमें पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी गोरखपुर जनपद के 9 विधानसभा सीटों के इनके बदौलत अच्छे वोटों से जीतने का काम करेगी।